सेफ्टी रखनी है। वहां से उतारा इसको और वहां पर सेट किया तो पता नहीं इसमें भाई अचानक से क्या हुआ है। और भाई देखिए कितने बिल्कुल मॉस्फेट वगैरह इसके जल गए, जिसकी वजह से हमें दोबारा से रिपेयर करना पड़ेगा। तो ए टू जेड दोस्तों हम सभी कंप्लीट आपको दिखाने वाले हैं, बस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, ये हमारी नई सेट है, आज इसी पे हम काम करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अब जो है हम अंदर चलते हैं। ये देखिए भाई हम अंदर आ गए और यहीं पर आज हम काम करने वाले हैं। तो कैसे हो दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए कुछ नया लेकर आए दोस्तों। आज हम आपको दिखाने वाले हैं 1 किलोवाट का इन्वर्टर बैटरा कैसे कनेक्ट करते हो, और वो भी 2 बैटरों के साथ में दोस्तों। तो हमारा इन्वर्टर जो है वो पुराना है और भाई बैटरे हमारे नवे हैं। तो ए टू जेड कंप्लीट हम आपको इसमें दिखाने वाले हैं। तो भाई बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, अगर छोटी सी लापरवाही आप करते हो तो आपका इसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। कि भाई अगर माइनस प्लस के तार एक बार भी उल्टे लग गए तो भाई आपका इन्वर्टर ये समझ लो कि डेड हो जाएगा एक तरीके से। उसके जो मेन फ्यूज होते हैं अंदर डीसी फ्यूज, वे फूक जाते हैं माइनस प्लस के तार उल्टे लगने के कारण। तो भाई वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना है, वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। ए टू जेड कंप्लीट हम आपको दिखाने वाले हैं ताकि आप भी अपने घर पर खुद से ही चेक कर सको और खुद से ही इन्वर्टर बैटरा आप लगा सकोगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों देखिए हमारे पास ये लुमिनस का सेट है पूरा 2 बैटरे वाला, और ये देखो, और भाई एक्स्ट्रा चार्जर का है, और ये हमारे पास इन्वर्टर है जो कि हमारा ओल्ड इन्वर्टर है। तो इसी को हम जो है अब दूसरी जगह पर हम शिफ्ट करने वाले हैं दोस्तों। वहां पर पहले क्या था दोस्तों, हमारा इन्वर्टर बैटरा यहाँ पर लगा हुआ था, अब इसको यहाँ से खत्म करके हम इसको उधर सेट करने वाले हैं। तो ए टू जेड दोस्तों हम सभी कंप्लीट आपको दिखाने वाले हैं, बस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों इसको हम वहां पर सेट करने वाले हैं। यहाँ पर हम इसको सेट करेंगे। तो सबसे पहले इसको दोस्तों हम कर लेते हैं ओपन, इसको ओपन कर लीजिए। ये हमने इसके ढक्कन वगैरह उतार दिए और इसके बोल्ट है जी हाँ दोस्तों। और दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो में कोई भी चीज थोड़ी सी भी लापरवाही अगर आप करते हो तो आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हमारे दोनों बैटरे यहाँ पर आ गए, अब इसको भी हम दोबारा से ओपन कर लेते हैं। तो अब इसको हम ये इसका ढक्कन हमने उतार दिया, अब इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। और दोस्तों जरूरी बात क्या है भाई, कभी भी अपने बैटरे को आप पन्नी के अंदर कभी ना रखें, या डब्बे के अंदर जो हमारी पन्नी होती है, ये देखो ये पन्नी जो होती है इसके अंदर कभी भी बैटरे को नहीं रखना है, नहीं तो बैटरे के फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। अब ये दोस्तों अब इसको हम देखिए, हमारा बैटरी जो है ये कनेक्टर उल्टी साइड आ गया, तो अब इसको हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे करते हैं इसका। तो देखिए हमारा इधर जो है प्लस है तो इधर हम माइनस करेंगे, उधर प्लस है तो इधर हम माइनस करने वाले हैं, और ये माइनस प्लस उधर आ जाएगा। तो इसको ऐसे ही सेट कर दो ऊपर। बस थोड़ा गैप देगा, बस ऐसे रख दे। तो देखिए दोस्तों हमारे दोनों सेट हो गए, अब यहाँ पर हम इन्वर्टर सेट कर लेते हैं। तो भाई ये हमने यहाँ पर इन्वर्टर को भी जो है सेट करने वाले। अब देखिए ये हमारा इन्वर्टर आ गया और ये हमारे 2 बैटरे आ गए। अब दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं, अब आपको वीडियो बहुत ध्यान से देखना है, कोई भी चीज स्किप नहीं करनी, वही चीज हम आपको दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हमारे एक माइनस प्लस इधर आ गया और एक माइनस प्लस इधर आ गया। तो सबसे पहले हम इसकी जो वायर है वो वायर किधर है तानिस, जब भी निकाल लो। तो दोस्तों एक तो चीज हमारी हमेशा ध्यान रखना है कि आपको जब भी इन्वर्टर बैटरा लगाना है तो आपको चाबी का इस्तेमाल जरूर करना है भाई, टूल्स जो होता है चाबी उसका इस्तेमाल जरूर करना है। कभी भी ऐसा ना हो कि आप प्लास से सेट कर रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल मत करना है भाई, नहीं तो आपको जो है दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा वो भी। और भाई हमेशा इलेक्ट्रिशियन का काम करते समय अपनी सेफ्टी का अच्छे से ध्यान रखना है, ये भाई आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अपनी सेफ्टी का अच्छे से ध्यान रखना है, जो भी हमारे नए इलेक्ट्रिशियन भाई है। दोस्तों दिखाते हैं आप कैसे करते हैं। तो भाई हमारे पास सबसे पहले ये लीड है, तो इस लीड को हम यहाँ पर माइनस प्लस पर कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए इसको लगा दीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर ग्रीस भी लगा हुआ है खूंटी के अंदर, तो इस
दोनों चाबी की मदद से दोस्तों इसको अच्छे से सेट कर दिया। तो देखिए दोस्तों ये हमारी लीड बनके तैयार हो गई। तो दोस्तों अब बात आती है इधर की, और भाई इस चीज को ध्यान से देखना है, ये हमारा माइनस प्लस है, ये प्लस है और ये साइड में इधर माइनस है। तो दोस्तों प्लस को हम प्लस पे लगाने वाले हैं और माइनस को माइनस पे लगाने वाले हैं। दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली क्या चीज है, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे दोनों माइनस प्लस आमने सामने है, हमें ध्यान ये रखना है कि एक तो हमारी जो माइनस प्लस वायर है ये उल्टे ना लगे, और दोस्तों जो सबसे बड़ी जो खास बात है यह है कि हम जिस टाइम इनको लगाने वाले कि एक दूसरे पर कनेक्ट ना हो जाए, कि भाई दोनों बैटरी की पावर है कि यहाँ पर आगे शॉर्ट होने के बहुत चांसेस है। जैसे कि हम यहाँ पर बोल्ट लगा के चाबी को ऐसे करेंगे तो उसमें क्या होगा दोस्तों, चाबी कई दफे इधर सेट होती है, तो इसको हम सबसे पहले हम इसमें स्पेस कर लेंगे। तो ये इस तरह से हमने थोड़ा सा इसमें स्पेस बढ़ा लिया ताकि यहाँ का काम करते समय इधर ना शॉर्ट हो और यहाँ पे काम करते समय इधर ना शॉर्ट हो। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो देखिए दोस्तों इसको हम सेट करने वाले, ये हमने प्लस लगा दिया। दोस्तों हमने ये माइनस की वायर इसको माइनस पे सेट कर देंगे। ये देखिए दोस्तों जैसे कि हमने यहाँ पर चाबी चलाई तो हमारी चाबी चांस शॉर्ट होने के कोई चांस नहीं है इधर से इधर, लेकिन दोस्तों अगर आमने सामने होता ताकि चाबी हम ऐसे घुमाते तो भाई शॉर्ट होने के बहुत ज्यादा चांस है। कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि चाबी आपस में शॉर्ट रहती है, तो भाई इतनी ज्यादा पावर होने के कारण कि बिल्कुल बैटरी के फटने के भी चांस होते हैं। और वही चीज हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं दोस्तों कि कैसे सेफ्टी रखनी है। तो भाई इसको हमने जैसे कनेक्ट किया तो बहुत ज्यादा शॉर्ट सर्किट हुआ इसके अंदर, इसको हम एक बार खोल के चेक करते हैं। तो इसको भाई इसको बाहर निकाल लीजिए, यहाँ से इसको बाहर निकाल लो भाई, मतलब ऐसा शॉर्ट सर्किट हुआ कि एकदम मैं भी डर गया, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए था जैसा हुआ है, तो जिस कारण हम एकदम टेंशन में आ गए कि भाई ये क्या हुआ है। सब कुछ सही था दोस्तों, मतलब कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन किस कारण हुआ है तो वही चीज़ हम इसमें एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसको भाई इसको इधर रखो और इसको खोल लीजिए। बहुत ही दुख की बात है कि भाई हमने इन्वर्टर बैठा जैसे कनेक्ट किया उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ इन्वर्टर के अंदर, ताकि हमने जबकि हमने कोई भी लाइट उसमें नहीं दी। तो दोस्तों ये इन्वर्टर जो है भाई रखा हुआ था वहाँ से उतारा, तो जैसे कि हमने देखा तो कोई प्रॉब्लम इसके अंदर आ गई, और दोस्तों प्रॉब्लम क्या है उसको हम खोल के चेक करते हैं, अगर कुछ हल्का फुल्का है तो हम इसको रिपेयर करेंगे। तो वही चीज़ आपको दिखाते हैं हम, चलिए ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें भाई क्या दिक्कत और क्या समस्या आई है, ज़्यादा बड़ी है या छोटी है। तो चलिए भाई इसको अब ओपन कर लेते हैं। भाई इन्वर्टर को तो हमने ओपन कर लिया, और इसके भाई देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, इसको ऐसे खड़ा करो भाई, इसको खड़ा करो, ये देखिए भाई इसके मॉस्फेट वगैरह उड़ गए, और भाई किस कारण उड़े हैं मतलब बिल्कुल भी पता नहीं है, बिल्कुल अच्छा खासा चला हुआ था, सब कुछ ठीक था भाई। हमने वहाँ से उतारा इसको और वहाँ पर सेट किया, तो पता नहीं इसमें भाई अचानक से क्या हुआ है, और भाई देखिए कितने बिल्कुल मॉस्फेट वगैरह इसके जल गए, जिसकी वजह से हमें दोबारा से रिपेयर करना पड़ेगा। और दोस्तों सबसे कमाल की बात तो भाई मतलब पता ही नहीं चला कि क्या हुआ है, ऐसा होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए था, क्योंकि इन्वर्टर पहले से चालू था बिल्कुल कंप्लीट। तो चलिए दोस्तों अब इसको हम जो है भाई रिपेयर करते हैं उसके बाद। तो भाई ये भैया हमारे जो है ये भी टेंशन में आ गए कि भाई अचानक से क्या हुआ, लेकिन कोई बात नहीं भाई, कोई इलेक्ट्रिशियन का तो देखो ऐसा ही पंगा होता है कि भाई चले तो चांद तक नहीं तो रात तक, तो आप सभी को पता है। तो चलिए भाई उसको हम रिपेयर करते गए, उसको बाद दिखाते हैं आपको। हमारे इन्वर्टर के साथ में जो दुर्घटना जो घटी थी वो बिल्कुल ठीक हो गई, काफ़ी देर लगी उसमें करने में, लेकिन जो है अब ठीक हो गया। तो फाइनली दोस्तों हमारा इन्वर्टर जो है भाई बिल्कुल ठीक हो गया, अब इसको जो है हम कनेक्ट करने वाले हैं। तो लगाइए इसको बता, तो भाई इसको देखिए ये हमारा इन्वर्टर ऑन हो गया, ये हो गया चालू। तो ठीक है भाई इसको यहाँ पर टाइट कर दो, इसको हम अच्छे से टाइट कर देंगे और फिर इसके बाद हम इसमें इनपुट देंगे। तो भाई हमारा जो कंप्लीट हो गया, अब देखिए इसमें हम एक बार जो है फेस चेक कर लेते हैं इसका। हाँ तो देखिए भाई ये फेस है, और इसको स्विच बंद कर देना इसका एक बार, सही है। इसमें अब जो है इसके इनपुट लगा दो, तो अभी पीछे जो इसकी आउटपुट है सबसे पहले तो हम आउटपुट लगा देते हैं इसके, लगा दो इसमें, ये हमारी आउटपुट लग गई। और दोस्तों ये लग गई हमारी इनपुट। दोस्तों फिटिंग तो यहाँ पर पहले से ही हुई हुई थी, तो भाई हमने सिर्फ इन्वर्टर को कनेक्ट किया है ऊपर से नीचे, तो देखिए हमारी लाइन बिल्कुल चालू हो गई। भाई रिक्स की बात करूँ तो भाई तुम्हें लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिशियन जो है कितना रिक्स में रहता है, कितना रिक्स काम होता है, और भाई आप हमेशा सेफ्टी का अच्छे से ध्यान रखें, जो हमारे नए इलेक्ट्रिशियन भाई वो भी अपना सेफ्टी का ध्यान रखें। और भाई वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।